रीवा सर्किट हाउस रेप कांड में एक नया खुलासा हुआ है। दुष्कर्मी महंत को शराब और चखना पहुंचाने वाला चेला गिरफ्तार हो गया है। बता दें, इस नौवे आरोपी पर घोषित था 5,000 रुपए का इनाम। नमस्कार, मेरा नाम है शिवम कुशवाहा और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। रीवा शहर के सर्किट हाउस राजनिवास रेप कांड में महंत सीताराम दास उर्फ समर्थ त्रिपाठी को शराब पहुंचाने वाले सहयोगी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। 28 मार्च 2022 की रात आरोपी बाबा को राजनिवास के एनेक्सी भवन रूम नंबर 4 में इसी आरोपी ने पूरी सामग्री पहुँचाई। वही दुष्कर्म की रात सर्किट हाउस में महंत को भगाने में भी सहयोग किया था। फिर दूसरे से महंत का सहयोगी चेला खुद फरार हो गया। रेप कांड के नौवे आरोपी को पकड़ने के लिए पुलिस की कई टीम एक महीने से दाबिश दे रही थी। दूसरी तरफ एसपी नवनीत भसीन ने आरोपी पर 5,000 रुपए का इनाम घोषित किया। उसके एक रिश्तेदार के सहयोग से पुलिस ने गिरफ्तार कर मंगलवार को कोर्ट में पेश किया, जहां से एक दिन की रिमांड मिली है। बता दें, सिविल लाइन थाना प्रभारी निरीक्षक हितेंद्र नाथ शर्मा ने बताया कि राजनिवास दुष्कर्म कांड के नौवे एवं अंतिम आरोपी धीरेन्द्र कुमार मिश्रा उर्फ धीरू पुत्र पवन कुमार मिश्रा 23 साल को गिरफ्तार कर लिया गया है। मंगलवार को न्यायालय में पेश कर एक दिन की रिमांड पर ली गई है। पुलिस अभिरक्षा के दौरान दुष्कर्मी महंत के सहयोगी को संभावित ठिकानों पर ले जाया गया, जहां से उसने शराब चखना और भोजन आदि की व्यवस्था की थी। प्रयास है कि बुधवार की शाम तक कोर्ट में पेश कर केंद्रीय जेल रीवा भेज दिया जाएगा। बता दें, पुलिस का दावा है कि राजनिवास रेप कांड में अब तक 9 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, जिसमें महंत सीताराम दास उर्फ समर्थ त्रिपाठी, विनोद पांडे, संजय त्रिपाठी, अंशुल मिश्रा, तौफीक अंसारी, पप्पू शुक्ला, मोनू मिश्रा, जानवी दुबे और धीरेन्द्र मिश्रा उर्फ धीरू को गिरफ्तार कर लिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट द खबरदार न्यूज।